कहना चाहेंगे कि हमारी लाइफ शुरू हुई थी 22 ईयर और सिर्फ 22 साल. इस एज से ही हमको जो है नौकरी मिल गई और नौकरी भी मिली शिक्षक. हम शिक्षिका के रूप में हम एक घटना बताते हैं आपको. जब सबसे पहली बार हम अपने स्कूल गए थे तो बहुत ही बेहद इलाका था और वहाँ जब हम पगडंडियों पे चढ़ के और उस स्कूल पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे लोग हमें सिर्फ देख रहे थे कि हम क्या करने आए हैं. और फिर बाद में वो लोग बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद उन्होंने जो है हमारे लिए एक भोज आमंत्रित किया और वहाँ पर हम गए. और जाने के बाद जो मेरे साथ घटना हुई आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा. ये मेरा अनुभव है. हमको वहाँ पर गांव देहात में स्टील की कटोरियों में नाश्ता रखा गया और जैसे यहाँ अलग अलग सबके सामने रखा गया. लेकिन किसी ने जो है जाकर के एक बुजुर्ग लेडी थी, महिला थी, उनसे जाके कान में कहा, शायद हमारे माइनॉरिटीज़ होने की उनको इत्तला दी. अल्पसंख्यक ग्रुप से हम मिलान करते हैं, उन्होंने ये इत्तला दी कि ये एक मुस्लिम बेटी है. वो औरत थी जो कि हम जानते नहीं थे, कम एज थी, हम भी बहुत मैच्योर नहीं थे. और उन्होंने सीधे आकर मेरे सामने से उस कटोरी के रसगुल्ले उठाकर इस पूर्वे को जो आज महत्व दिया जा रहा है, कल इसका कोई महत्व नहीं था, ये परजों को दिया जाता था, तो उसमें मेरा गुलाब जामुन उठा के यहाँ रख दिया. बाकी जो ग्रुप थे वो ठीक थे पर हम अछूत थे, इसलिए मुझे मिट्टी के पूर्वे में दिया गया. आज हमारा देश कितना बदल गया है, इस पूर्वे को ज़्यादा महत्व दे रहा है. स्टील के बर्तन में खाना खाना हमारे सेहत के लिए खराब है. लेकिन वहीं आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पे वही लेडीज, अब वो तो नहीं बची, वो हमसे सबक लेती हैं, हमसे आकर छोटी छोटी बातों की राय लेती हैं, हमें आकर पूछती हैं कि हमको ये तकलीफ़ है, हमको खून की कमी है, हमको कुछ काम करना है, तो हमसे छोटी छोटी बातों के लिए राय लेती हैं और हम उन्हें बताते हैं. आज ये किसी बच्चे को हमारे यहाँ हो जाता था, पीलिया हो जाता था, तो वो झाड़ू, और सच में हमने देखा कि एक बर्तन में पानी रखकर वो ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका पीलिया उतरकर पीला हो जाता है पानी, लेकिन बाद में उससे अच्छे नहीं होते और बच्चा वहाँ ख़त्म होते भी हमने देखा. हमने उन्हें बताया कि जाकर डॉक्टर को दिखाएं, ये अंधविश्वास से बाहर निकले. अभी अभी ताज़ा घटना 30 मार्च को एक लड़की हमारे यहाँ थी, इशिता, उसको क्लास में सबसे अच्छा नंबर मिला. हमें इस बात का पता नहीं था लेकिन वो लड़की हमसे आगे बता रही है कि मेरे पापा ने, आपने मुझे नंबर दिया और मेरे पापा इतना खुश हुए कि उन्होंने जो है स्मोकिंग छोड़ दी. अब उन्होंने क्यों छोड़ा हमको नहीं पता था. उन्होंने बेटी से शर्त लगा रखी थी कि बेटी मेरे अच्छे नंबर से पास होगी तो हम स्मोकिंग छोड़ देंगे. तो बाद में हमको इतना अच्छा फील हुआ कि अब जो है हमारा गांव इतना विकसित हो गया है कि उनको अब शिक्षा की तरफ ले जाने, बस उनको साधन मुहैया करने की ज़रूरत है, उनको आने जाने के लिए कन्विंस करना है. उनके पास पैसे की कमी है, वो आगे नहीं पढ़ा सकते. लेकिन हम लोग जो गांव की औरतें जो मजदूरी करके शून्य करते हैं, आज योगा का ज़माना है, जो छोटा बच्चा है हम उसे कहते हैं कि फ्री में योगा करने के लिए एक बार साइकिलिंग करने के लिए कहा गया, तो वो बच्चा साइकिलिंग करते करते लेट गया. बड़ा आसकती था, दिमाग बहुत तेज होता है उनका, कहें क्यों लेट गए तुम, कहा पता नहीं है, हमारे पास दिमाग है, हम ढलान पर हैं, हम साइकिल क्यों चलाएं, हम तो इस टाइम ब्रेक में हैं. ऐसी बुद्धि को अगर साधन मिल जाए तो वो कितने आगे जा सकते हैं.